कोरोना के वार जारी, मस्बत शरह 7.5% रिकॉर्ड। शहर में कोरोना के मजीद 165 नए मरीजों की तस्दीक। कोरोना से बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल करें, MS सिन्हा अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन की हिदायत। कहते हैं शहरी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। उधर भारत से आने वाले मुसाफिरों की निगरानी का फैसला। भारत में ओमिक्रॉन और कोरोना केसेस के पेश नजर फैसला किया गया। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही के कत्ल का वाकया। पंजाब बार काउंसिल ने कल हड़ताल कर दी। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। पंजाब बार का अशरफ राही के कत्ल पर JIT तश्कील लेने का मुतालबा। गवर्नर हाउस में पंजाब काबीना की तकरीब हलफबरदारी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। सैफुल मलूक खोकर, बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नजीर ने हलफ उठाया। राणा मशहूद, राणा इकबाल, काजिम पीरजादा, मुश्तबा शुजाउर रहमान, खलील ताहिर सिंधु, सैयद हसन मुर्तजा भी हलफ उठाने वालों में शामिल। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त। हुकूमत इत्तेहाद का फुल कोर्ट के लिए पिटीशन दायर करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA के कायदीन कल वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की इस्तदा की जाएगी। मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को की डिमांड में नुमाया कमी। लेस्को की तलब 3775 मेगावाट जबकि फराहमी 3450 मेगावाट है। कंपनी को 325 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। बारिशों ने ट्रेनों की रफ्तार भी कम कर दी। कराची, कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर। कराकरम 6, शाह हुसैन 5 घंटे 40 मिनट लेट। पाक बिजनेस 5, खैबर मेल 4 घंटे 40 मिनट ताखिर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 3:30, अलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे लेट। फरीद एक्सप्रेस तेजगाम, जाफर एक्सप्रेस भी पीछे रह गयी। बारिश के बाईस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। लाहौर आने और जाने वाली 3 परवाजें मनसूख, 8 ताखिर का शिकार। गिलगित, जद्दा और इस्तांबुल की परवाजें मनसूख हुई। अली रजाबाद के 5 फुट गहरे पार्क में बारिशी पानी जमा। पानी में डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए महकमा फिशरीज का इकदाम। महकमा फिशरीज ने पानी में डेंगू लार्वा खाने वाली मछलियां छोड़ दी। महकमा फिशरीज की टीम ने हाफिज मौस की कयादत में शहरियों को आगाही दी। ब्रायलर मुर्गी के निर्खों में फिर 5 रुपए इजाफा। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 5 रुपए इजाफे से 392 रुपए किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर का थोक रेट 253, परचून रेट 261 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 195 रुपए फी दर्जन बरकरार। FBR जेली इदारों में सियासी असर रसूख के इस्तेमाल की बाजगश्त। कस्टम सर्विस और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में मनपसंद तैनातियां मामूल। तरक्की और इंतजामी उमूर में सियासी ताल्लुकात का इस्तेमाल मामूल बन गया। FBR ने आला अफसरान पर सियासी दबाव डालने का नोटिस ले लिया। चेयरमैन FBR ने सिफारिशी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। शहर की 23 अहम शाहराहें सड़कें तारीकी में डूबने लगीं। 1,30,344 लाइट पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। लाइट्स के लिए 27,39,19,000 की मंजूरी मगर अमल दरामद न हो सका। अफसरान स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की निशानदेही तक महदूद होकर रह गए। स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1,84,25,000 का फंड खर्च न हो सका। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहान का इनेकार। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानी मराकज की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रही। SP इकबाल टाउन की हिदायत पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर अहलकारों को तैनात किया गया। इम्तिहानी मराकज की सिक्योरिटी ड्यूटी पर 100 से जायद अफसरान और अहलकार तैनात थे। उधर हाई कोर्ट में भर्ती के लिए उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान। आज पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का इम्तिहान लिया गया। 1,693 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। कल टेलीफोन टेक्नीशियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का इम्तिहान होगा। ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी का 2 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। टोकन टोल इनकम टैक्स में बिला जवाब इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी इस्मतुल्ला नियासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कमर्शियल गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर रहे हैं। मुतालबात न माने गए तो हड़ताल का दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा।
एससीओ के सेक्रेटरी जनरल सफीर जांगमंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम ने सेक्रेटरी जनरल को उनकी अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने ईंधन और अशिया खुरनोश की बुलंद कीमतों और मौसमी मुश्किलात पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का एससीओ चार्टर और शंघाई स्पिरिट के उसूलों के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इआता किया। कुफ्र का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। अवाम ने मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बनाया। इनकी मकबूलियत का हाल यह है कि अल्लाह रखा पेप्सी भी बंदे जमा नहीं कर सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं अवामी मैंडेट की तौहीन करके आप कामयाब नहीं हो सकते। बाप बेटा फौरी तौर पर इस्तीफा दे दें, पीडीएम ने मुल्क की खुददारी फरोख्त कर दी है। परवेज इलाही आज भी मेरे वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और कल भी रहेंगे, मगर वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का ट्वीट, लिखा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मिल बैठकर मुशाफत से आगे बढ़ना होगा। सदर ऑल पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर बट की एमडी वासा गफरान अहमद से मुलाकात। मॉनसून में होने वाली शदीद बारिशों से स्मॉल ट्रेडर्स को दरपेश मसाइल बारे गुफ्तगू की गई। महमूदा सलीम वेलफेयर का बेदिया रोड पर फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम। फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह पीटीआई रहनुमा डॉक्टर सीनी ने किया। सीईओ वेलफेयर फौजिया समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। मुफ्त हेपेटाइटिस शुगर कैल्शियम का चेकअप टेस्ट किए गए। पीपल्स पार्टी के तहत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। सैयद हसन मुर्तजा ने जयालों के हमरा केक काटा। असलम गिल, राणा जमील मंच, फायजा मलिक, आसिफ नागरा, आसिफ रफीक, मियां अयूब समेत दीगर के शिरकत। एसएसपी सैयद जिशान रजा की सालगिरह, पुलिस अफसरान और अजीज वकारिब की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी हॉकी टीम का विमेन वेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए बर्मिंघम रवाना हो गई। टीम में मैनेजर ओलंपियन सैयद समीर हुसैन, हेड कोच सैक्रिफाइड एकेमन शामिल, वीडियो एनालिस्ट नदीम खान लोधी, फिजियोथेरेपिस्ट अदील अख्तर भी शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगी। पीसीबी स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब मौईदे के तहत 14 ग्राउंड बोर्ड की जेर निगरानी चले जाएंगे। सूबे के 26 ग्राउंड्स का इंतजाम पीसीबी के पास चला जाएगा। ग्राउंड्स की तमाम अखराजात पीसीबी की जिम्मेदारी होंगे। पीसीबी इंतजाम सेंट्रल क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले करेगा।